गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर बीएसएस में। अपना एडजेक्टिव टॉपिक चल रहा था, मैंने कल उसमें काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बता दिए थे, 7 प्रकार के बताए थे, और उसी में मैंने कंपैरिजन ऑफ डिग्री बताया था। उसमें मैंने पॉजिटिव डिग्री बता दी थी, कंपैरेटिव डिग्री बता दी थी और सुपरलेटिव डिग्री बता दी थी। पॉजिटिव डिग्री सिंपल फॉर्म होती है एडजेक्टिव, और कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में दो में कंपैरिजन किया जाता है, और सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में सबसे बेस्ट, मतलब कि ऑल में, सब में कंपैरिजन किया जाता है। अब आगे इनके कुछ रूल्स है बनाने के, वो है, फर्स्ट है बाई एडिंग ई आर व ई एस टी, रूल नंबर फर्स्ट, बाई एडिंग ई आर व ई एस टी इन एडजेक्टिव। कब ई आर लगाया जाता है और कब ई एस टी लगाया जाता है, तो सबसे पहला है ब्राइट, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये कंपैरेटिव, और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट है इसमें ब्राइट, इसमें ओनली कुछ नहीं करना है, कम पॉजिटिव ये तो सिंपल फॉर्म होती है, कंपैरेटिव में अपने को ईआर जोड़ देना है और सुपरलेटिव में अपने को ईएसटी जोड़ देना है। तो ब्राइट इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी, ब्राइटर, और सुपरलेटिव होगी ईएसटी जोड़ देंगे, ब्राइटेस्ट। नेक्स्ट है बॉल्ड, बॉल्ड, बॉल्डर और बॉल्डेस्ट, ओनली अपने को लास्ट में कंपैरेटिव में तो ई आर जोड़ना है और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ना है। थर्ड है कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल्डर और कॉल्डेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। यंग, यंगर और यंगेस्ट। इसी तरह आगे से आगे बनता जाएगा ये। अब सेकंड रूल है इसका, सेकंड रूल, रिमूव वाई, रिमूव वाई व्हेन रिमूव वाई एंड एडिंग आई ई आर व आई ई एस टी। जब किसी एडजेक्टिव में लास्ट में वाई आए तो वाई को वहाँ से रिमूव करना है, और कंपैरेटिव में अपने को आई ई आर और सुपरलेटिव में आई ई एस टी जोड़ना है। इसका फर्स्ट एग्जांपल है लेजी, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव, लेजी। अब देखो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है एडजेक्टिव में, मैंने अभी रूल्स में बताया था किसी एडजेक्टिव के लास्ट में वाई आए तो वाई को वहाँ से रिमूव कर देना है, और वाई की जगह आई ई आर और आई ई एस टी अपने को जोड़ देना है। तो वाई को यहाँ से अपन रिमूव कर, ये कंपैरेटिव में वाई को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एल ई जेड आई ई आर, और सुपरलेटिव में आई ई एस टी जोड़ देंगे। ऐसे ही हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, ईजी, वाई को यहां से रिमूव करेंगे तो ईजियर और ईजीएस्ट।
ओनली अपने को ध्यान वाई का रखना है, वाई को वहाँ से रिमूव करना है और वाई की जगह आई ई आर व आई एस टी जोड़ना है. नेक्स्ट है रूल, थर्ड रूल है बाय डबल द फाइनल वर्ड व्हेन लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड सेकेंड लास्ट इज ओवल. मीन्स अपने को लास्ट का लेटर डबल करना है. कब करना है? जब किसी एडजेक्टिव का लास्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट. और कॉन्सोनेंट से फर्स्ट, कॉन्सोनेंट से लास्ट से फर्स्ट क्या है? वोवल आए, तब हमें उस डिग्री का लास्ट का वोवल क्या करना है? डबल करना है. फॉर एग्जाम्पल है फैट, ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपरेटिव, ये सुपरलेटिव. फैट, अब देखो मैंने रूल्स में क्या बताया है, लास्ट लेट तो क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट. और सेकंड लास्ट क्या होना चाहिए? वोवल. यहाँ पर देखो लास्ट लेटर क्या है? टी, कॉन्सोनेंट है. और सेकंड लास्ट क्या है? ए, वोवल है. तो अपन क्या करेंगे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, लास्ट लेटर को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे और ई आर और ई एस टी जोड़ देंगे. तो फैटर, इसमें लास्ट लेटर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा और ई आर और ई एस टी जोड़ देंगे. कंपरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी. तो फैट, फैटर और फैटेस्ट. ऐसे ही बिग, सेकंड लास्ट क्या है? कॉन्सोनेंट. और सेकंड लास्ट क्या है? वोवल. तो क्या हो जाएगा? बिग, बिगर, बिगेस्ट. नेक्स्ट है नियर, तो क्या हो जाएगा? ये भी वही है, लास्ट क्या है? कॉन्सोनेंट. और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है? वोवल. तो डबल हो जाएगा लास्ट का लेटर. डबल आर और ई एस टी, नियरेस्ट. आगे वीक, वही है, लास्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट. और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले क्या है? वोवल. तो सेकंड लास्ट लेटर को अपन क्या कर देंगे यहाँ पर? डबल कर देंगे. तो वीकर, डबल के ई आर और इसमें डबल के ई एस टी लग जाएगा. अब अपना फोर्थ रूल्स है, रूल नंबर फोर्थ, रिमूविंग ई. किसी एडजेक्टिव का लास्ट लेटर क्या आ रहा है? ई आ रहा है. तो ई को तो वहां से क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे एंड एडिंग आर व एस टी. रिमूविंग ई एंड एडिंग आर ओ एस टी. किसी लेटर का लास्ट लेटर क्या आ रहा है? किसी एडजेक्टिव का लास्ट लेटर क्या आ रहा है? ई. जैसे एल ए आर जी, लार्ज. लास्ट लेटर क्या आ रहा है इसका? ई. ई आर और ई एस टी आएगा, सॉरी. तो यहाँ से अपने को ई तो हटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एल ए आर जी ई आर, लार्जर. और इसका क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट. मतलब कि एक ई यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ वाला यहाँ लग जाएगा. सेकंड है एग्जांपल वाइज,
डब्ल्यू आई एस ई वाइज लास्ट लेटर क्या आ रहा है ई, तो ई को तो यहाँ से रिमूव कर देंगे और ई आर और ई एस टी अपन यहाँ पर एडिंग कर देंगे, तो वाइजर और वाइजेस्ट हो जाएगा। फिफ्थ रूल है, रूल नंबर फिफ्थ, इररेगुलर कंपैरिजन। इररेगुलर कंपैरिजन इसमें कोई नियम नहीं होता, ये सारे अलग अलग होते हैं। जैसे गुड का आ गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव, गुड बेटर बेस्ट। और बेस्ट ऐसे ये बैड, बैड वर्स और वास्ट। आगे मैनी मोर मोस्ट, मैनी मोर और मोस्ट, इनमें कोई रूल नहीं होता, ये अलग अलग होते हैं सारे के सारे। आगे सिक्स रूल है, रूल नंबर सिक्स, बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट, बाई एडिंग मोर एंड मोस्ट। कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनके आगे मोर और मोस्ट लगाया जाता है, जैसे सबसे पहले ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। यूजफुल, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। मोस्ट यूजफुल आगे एक्टिव, मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव। मोस्ट एक्टिव तो कंपैरिजन के मैंने, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के मैंने सिक्स रूल बताए हैं, अगर इनके अकॉर्डिंग देखो तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, देयर आर, फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर फोर विंडोज इन माई रूम, तो यहाँ पर पूछेगा कि एडजेक्टिव कौन सा है। जैसे फर्स्ट इसमें दे दिया पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव। सेकंड इसमें दे दिया इंट्रोगेटिव, थर्ड इसमें दे दिया प्रॉपर, और फोर्थ डेमोंस्ट्रेटिव। तो अगर आपको ध्यान होगा मैंने कल इसमें पढ़ाया था कि ये, सॉरी डेमोंस्ट्रेटिव नहीं, न्यूमेरल, न्यूमेरल एडजेक्टिव मैंने कल इसमें पढ़ाया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव एक संख्यात्मक विशेषण था जिसमें संख्या का पता चलता। तो यहाँ पर देखो फोर विंडो, तो यहाँ पर इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल। सेकेंड एग्जाम्पल है
aissee does not, she does not drive my car. Drive my car. अगर अपने को इसमें एडजेक्टिव पूछे तो फर्स्ट बता दिया, जैसे इसमें इंट्रोगेटिव, सेकंड बता दिया पजेसिव, थर्ड बता दिया प्रॉपर, और फोर्थ बता दिया डेमोंस्ट्रेटिव. तो यहाँ पर मैंने पढ़ा दिया माई किस में आता है, मैंने ये आप लोगों को अलग से भी लिखवाया था, तो ये किस में आएगा, पजेसिव. तो क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा इसमें. नेक्स्ट एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल, दिस स्टोरी इज देन दैट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस स्टोरी इज खालिस्तान देन दैट. अब इसमें फर्स्ट में है इंटरेस्टिंग, सेकंड है मोर इंटरेस्टिंग, थर्ड है इंटरेस्टेड, और फोर्थ है इंटरेस्ट. अब मैंने जब आपको कंपेरेटिव डिग्री पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि अगर दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो वो कंपेरेटिव डिग्री होती है, और कंपेरेटिव डिग्री में या तो लास्ट में क्या लगता है, ईआर या मोर लगता है. तो अपने को अगर ये चीज़ याद होगी तो अपन डायरेक्ट अपना एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, इसमें दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरिजन बीच में देन भी आ रहा है, तो अपने को पता चल गया कंपैरेटिव डिग्री है. तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी भी रूल्स पढ़ाए थे उसमें बताया था कि मोर और मोस्ट, मोर तो लगाया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में और मोस्ट लगाया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑन हिज सिस्टर बर्थडे, फोर्थ एग्जाम्पल है, ऑन हिज सिस्टर बर्थडे ही इन्वाइटेड इंडियन प्लेयर्स, इसमें फर्स्ट है जैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव दे दिया, सेकंड प्रॉपर एडजेक्टिव दे दिया, थर्ड पजेसिव एडजेक्टिव दे दिया, और फोर्थ न्यूमेरल एडजेक्टिव दे दिया. जब मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव बताया था तो उसमें मैंने बताया था अगर प्रॉपर किसी चीज़ का नाम दिया हुआ होता है तो वो किस में आता है, प्रॉपर एडजेक्टिव में आता है. तो यहाँ पर देखो, ऑन हिज सिस्टर बर्थडे ही इनवाइटेड इंडियन प्लेयर्स, तो यहाँ पर इंडियन देखो क्या है, प्रॉपर नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव आएगा. तो आप लोगों के एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन एडजेक्टिव के इसी तरीके से आएगा, या तो उसमें अंडरलाइन करके आप लोगों से पूछ लेगा कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का नाम पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है इसमें ये कौन सा है. तो आप लोग अच्छी तरीके से अगर मेरे पढ़ाए हुए एडजेक्टिव टॉपिक को क्लियर करोगे तो एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट जाएगा. थैंक यू.